नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससी ईस्ट बंगाल एफसी के न्यू स्ट्राइकर मार्सेलो रेबियरो को लेकर। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अमेजोन लेकर आया है आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका जहां पर आप ब्रांडेड चीज़ें बहुत ज़्यादा कम दामों में शॉपिंग कर सकते हो। तो जैसे कि आप बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, पीएसजी, इन जैसी बड़ी टीमों का जर्सी आप बहुत ज़्यादा कम दामों में शॉपिंग कर सकते हो। और दोस्तों, फुटबॉल बूट्स, जर्सी, फुटबॉल से रिलेटेड सारी चीज़ें अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। तो दोस्तों, बिल्कुल ब्रांडेड जर्सी बूट्स आपको मिल जाएगी, अमेजोन पर अवेलेबल है और आप ऑनलाइन इसे बाई कर सकते हो। और दोस्तों, अभी आप शॉपिंग करना चाहते हो तो इन सारी प्रोडक्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, आप इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है अमेजोन पर। आपको फुटबॉल से रिलेटेड सारी किट्स बहुत ही अच्छा डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो इन सारी प्रोडक्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा, आप वहां से डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, मार्सेलो रेबियरो ने एससी ईस्ट बंगाल एफसी को साइन किया है लोन पर। डैनियल चुमाचोको के रिप्लेसमेंट में दोस्तों मार्सेलो रेबियरो ने साइन किया है। और दोस्तों, खबर आ रहा है कि मार्सेलो रेबियरो जो है अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस करने के लिए उतर चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों, प्रैक्टिस पे उतरने से पहले इनको बहुत ही हार्ड क्वारंटीन झेलना पड़ा। इनको क्वारंटीन किया गया था एससी ईस्ट बंगाल एफसी के द्वारा। जैसे कि आईएसएल का नियम है कि नया प्लेयर जैसे ही कोई बाहर से आएगा या फिर कोई भी बाहर से आएगा आईएसएल के बायो बबल में, तो उनको सबसे पहले क्वारंटीन काटना पड़ेगा। तो दोस्तों, मार्सेलो रेबियरो ने अपना क्वारंटीन सक्सेसफुली काट लिया है और खबर यह है कि मार्सेलो रेबियरो अब प्रैक्टिस ज्वाइन कर चुके हैं अपनी टीम के साथ। तो दोस्तों, मार्सेलो रेबियरो अब नेक्स्ट मैच के लिए बिल्कुल अवेलेबल है, जो कि नेक्स्ट मैच है एससी ईस्ट बंगाल एफसी का हैदराबाद एफसी के खिलाफ, जो कि बिल्कुल इजी मैच नहीं होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं हैदराबाद एफसी का परफॉर्मेंस इस सीजन बहुत ही ज्यादा घातक रहा है। तो 24 जनवरी को दोस्तों हैदराबाद एफसी के खिलाफ मैच है एससी ईस्ट बंगाल एफसी का। तो उस मैच में सुना जा रहा है कि मार्सेलो रेबियरो अवेलेबल रहेंगे कोच मारियो रिवेरा के लिए। तो चलिए दोस्तों, जो अपडेट आया एससी ईस्ट बंगाल एफसी से रिलेटेड मैंने आप सभी को बता दिया। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।